पाकिस्तान के अंदर जो पैची कवरेजेज हैं मुख्तलिफ एरियाज में, हर प्रोविंस, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी, हर इलाके की अपनी कवरेज है, यूनिफॉर्म कवरेज ना होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, नेशनल इमुनाइजेशन डेज जो पोलियो कैंपेन होती है, घर घर जाकर पोलियो करने पास हैं। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एएफपी सर्वेलेंस, जिसकी आज हमने बात करी। एंड देन अगर कोई केस आ जाता है या कोई एनवायरमेंटल सैम्पल से पोलियो वायरस, वर्ल्ड पोलियो वायरस आइसोलेट हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, केस रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा, ये पोलियो वायरस, एंटेरो वायरस है, और भी बहुत सारे एंटेरो वायरस हैं, कौन कौन से, कॉक्सैकी वायरस है, एक्को वायरस है, ये भी एंटेरो वायरस है, ये आरएनए वायरस है, उसके तीन टाइप्स हैं, 1, 2 और 3। ये इसका स्ट्रक्चर है पोलियो वायरस का। पोलियोमेलाइटिस, यू नो अबाउट इट, पोलियो इज ग्रे माइनस मैरो एंड माइलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। How polio virus causes paralysis? क्या होता है जी, ये ओरोफिकल रूट है इसका, जैसे ही ये मुँह के जरिए से इंसानी आँख की जाता है तो वहाँ पे रिसेप्टर्स हैं जिसमें अटैच हो जाते हैं, टॉन्सिल्स हैं, इंटेस्टाइनल्स हैं, बायोस्पाइसिस, उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, एंड देन सम टाइम इट गोज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ठीक है। और ये अटैक कहाँ करता है, एंटीरियर बोन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसकी वजह से वीकनेस आ जाती है, कहाँ पे, सेंसरी पार्ट में या मोटर पार्ट में, मोटर कंपार्टमेंट और सेंसरी कंपार्टमेंट, मोटर कंपार्टमेंट। अच्छा, वी आर लकी एनफ कि जो इसका पैराटिक रेट है वो लेस देन 1% है, अगर सर्कुलेशन भी है तो उसमें हमारे पास जो वीकनेस बच्चे आते हैं वीकनेस के साथ वो बहुत ही कम होते हैं, रेयर आउट ऑफ रेयर। और जो क्लिनिकल इलनेस है, नो पैरालिसिस से नजला जुकाम हो गया, फीवर हो गया, वो हमारे पास अराउंड 10% के करीब आते हैं, 5-10%, और एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन अराउंड 90%। ये कुछ पिक्चर्स है जो कि पोलियो की वजह से बच्चे पैरालाइज हुए डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, कहीं पे भी हो, यानी इवन किनार मसल हो, आर्म हो, फोर आर्म हो, लैग्स हो, ठीक है, एब्डोमिनल मसल हो, किसी को भी अटैक कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमने जो देखा है वो हमारे पास क्या आता है, वीकनेस में गोल्ड और मोनोग्लेरिया के साथ आता है, ठीक है, ज़्यादातर क्या है, मोनोग्लेरिया के साथ आ रहा है, बट इट्स समटाइम प्रेजेंट विद पैराग्लेरिया एज वेल। अच्छा, ये ग्लोबल अपडेट है पोलियो केसेस, पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है 2024 में 8 केसेस हैं, लास्ट ईयर हमारे पास 6 केसेस थे, तो इस साल जो है सर्कुलेशन वाइड स्प्रेड है, और अफगानिस्तान में 6 केसेस लास्ट ईयर थे और इस वक्त भी 6 केसेस हैं, तो दुनिया में इस वक्त दो ही एंडेमिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, बाकी तमाम दुनिया से ये रेडिकेट हो चुका है। ये डिटेल है कहाँ कहाँ ये पोलियो वायरस आइसोलेट हुआ, डेरा मुफ्ती, चमन, किला अब्दुल्ला, शिकारपुर, कोयटा, किला अब्दुल्ला एंड कराची, कौन कौन से एरिया है यहाँ पे, बलोचिस्तान एंड सिंध, ठीक है। और जो इसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग करते हैं उसमें देखते हैं कि जो क्लोजेस्ट मैच है इसका, आप लिखा हुआ आखिर में लिखा हुआ 99.4, 99.55, जो क्लोजेस्ट मैच है कहाँ से इसने वायरस हासिल किया है बच्चे, तो क्लोजेस्ट मैच को इसमें यहाँ पे भी मैंशन। अच्छा जी, ये इसका मैप है, आप देख सकते हैं ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में हमारे पास जो सर्कुलेशन है इस रीजन में इसको कोयटा ब्लॉक कहते हैं, मशीन किला अब्दुल्ला एंड कोयटा, ये है शिकारपुर एंड देन दिस इज कराची। तो जो फर्स्ट आइसोलेट हुआ कराची से वो है किमाड़ी, और ये अफगानिस्तान की डिटेल है, अफगानिस्तान में हिलमंद में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, हिलमंद इज देयर कंधार के करीब है, और ये हमारे पास कोयटा ब्लॉक का रूट, मोस्टली आप ये देखेंगे कि इस तरफ सर्कुलेशन चल रही है इस रीजन के अंदर, पॉइंट है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने इसकी डिटेल जान ली है जो केस आया कोयटा में, और उसकी रीज़न ये थी कि आप लोगों को सिर्फ गाइड करना है
डेट ऑफ ऑनसेट अगर आप देखें क्या है 29 अप्रैल, और डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है 20 मई, तो खासा टाइम हो गया इसमें, ठीक है। पोलियो वायरस जो स्टूल में एक्सक्रीट आउट होता है उसकी मैक्सिमम यील्ड किसमें होती है 14 डेज के अंदर अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू कर देता है, 2 माह तक ये स्टूल में पास आउट होता है। और यहाँ पे जो दूसरी चीज है देखने वाली है ये जीरो डोज, ये जीरो डोज आपको बता रहा है कि यहाँ पे रिफ्यूजल है, बच्चों को पोलियो नहीं पिलाया जा रहा, रूटीन इम्यूनाइजेशन। और लिम्स अफेक्टेड स्मॉल फोल्डिंग स्नैक मसल्स, तो जो इसकी वीकनेस स्टार्ट हुई है विद ऑल फोल्डिंग्स क्वाड्रिक लेजियन इंक्लूडिंग नेक। ये स्लाइड मैंने इसलिए रखी है कि आपको बताया जा सके कि ये कहाँ कहाँ विजिट किया इसने, ये बच्चा इसका ऑनसेट 29 अप्रैल का, देन ये लोकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास गए, जिनानी हॉस्पिटल की उनकी एक्टिव साइट थी, जिस तरह हमारी एक्टिव साइट है वहाँ से ये मिस हुआ, एंड देन द चाइल्ड गोज टू सिविल हॉस्पिटल वहाँ से ये मिस हुआ, एंड द चाइल्ड रीच NICH कराची, ये इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची, वहाँ से ये केस रिपोर्ट हुआ है, और रिपोर्ट कब हुआ है 20 मई को, और बच्चा एक्सपायर कब हो रहा है 22 मई को, ठीक है सर। और इसके साथ साथ आप ये देखें मीजल्स जो है, द चाइल्ड हैड मीजल्स 4 मंथ बैक, ये क्या बता रहा है कि बच्चा रूटीन के लिए जीरो है, तो मीजल्स भी हुआ है बच्चे को, साथ साथ डायरिया रूमेटिक की भी कंपनी है। इस बच्चे की कॉन्टैक्ट जब सैंपल लिए गए, यानी कॉन्टैक्ट क्या होता है, अगर 14 डेज से एक्सीड कर जाते हैं तो 14 डेज से जब ज़्यादा हो जाते हैं तो 3 कॉन्टैक्ट सैंपल लिए जाते हैं प्लेमेट्स के सिबलिंग्स के, जो बहन भाई हैं उनके जिसकी उम्र 5 साल से कम है उसका भी एक एक सैंपल लिया जाता है, ठीक है। 3 इस तरह से लिए जाते हैं, कोई भी 3 सैंपल। तो यहाँ पर आप देखते हैं 3 कॉन्टैक्ट, 1 सिस्टर ब्रदर एंड कज़न। पोलियो वायरस हमें कहाँ मिल रहा है, कॉन्टैक्ट्स में मिल रहा है, तो इसका मतलब है सर्कुलेशन है, आसपास के जो बच्चे हैं वो भी मुतासर हैं। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी इम्यूनाइज होना जरूरी है, अगर वो नहीं होंगे दे कैन कैच वायरस। ये दूसरा किताब दुर्लभ है, इसमें भी आप देखें रूटीन जीरो, IVV नॉट वैक्सीनेटेड, SIA का मतलब है सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज यानी NIDs, ये भी जीरो है इसका। तो ये है पैसिव रिफ्यूजल, जब बच्चों के पास यानी कोई भी बच्चा है टीम जाती है घर पे तो पेरेंट्स छुपा लेते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं, तो दे आर पैसिव रिफ्यूजल, साइलेंट रिफ्यूजल जिसको हम कहते हैं। तो इस बच्चे ने भी वायरस कैच किया है और ये भी पैरालाइज हुआ है। फिर आप बोलता जो है आप ये देखेंगे कि वहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेज हैं इस वक्त पाकिस्तान में। एनवायरमेंटल सैंपल को देखें तो हमारे पास इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर जितने भी आप देखते हैं, ये रेड शो कर रहा है ह्यूमन केस और ES शो कर रहा है एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव। तो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर सैंपल लिए जाते हैं डिस्ट्रिक्स में, तो 178 डिटेक्शन हुई हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। इसका मतलब है कि सर्कुलेशन क्या है, वाइड स्प्रेड। ये मुल्तान के हवाले से हम बात करें, मुल्तान में हम 3 जगहों से सैंपल लेते हैं एनवायरमेंट का, सूरज बयान अली टाउन एंड क्लब फतर, ये डिस्पोजेबल पंप है, डिस्पोजल पंप, तो यहाँ से यानी सैंपल लिए जाते हैं। इसकी जो यूसीज ड्रेन हो रही है वो मैंशन है 24, 22 एंड 16, ये 3 पॉजिटिव हुए हैं मुल्तान में, यानी दिसंबर में पॉजिटिव हुआ अली टाउन, एंड देन उसके बाद सूरज बयान कैब में, फिर मार्च में क्लब फतर। यहाँ पे उसके रीजन क्या है, सबसे अहम जो है एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन मूवमेंट, यहाँ पे आप देखते हैं उर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें मुख्तलिफ जगहों से लोग आ रहे हैं, तो उस वो एक रीज़न बना। और जब हमने इसकी जेनेटिक सिक्वेंसिंग की है तो पता ही चला जो अली टाउन में आइसोलेट हुआ था उसका लिंक था हैदराबाद से, तो सूरज बयान से आइसोलेट हुआ वो कराची साउथ से था, और कोटला फतेह जो है ये कराची ईस्ट से इसका लिंक था।
तो जो मूवमेंट है फ्रॉम से बहुत ज़्यादा है, आपने भी देखा होगा मज़ारों में बहुत लोग आते हैं। देन वी कम टू अवर सब्जेक्ट दैट इज सेफ्टी इज डेफिनेशन। एज आई डिस्कस्ड द सडन ऑनसेट ऑफ फ्लॉपी वीकनेस इन अ चाइल्ड लेस देन 15 इयर्स ऑफ एज इंक्लूडिंग जीपीएस। जीपीएस को फोकस इसलिए किया गया है यहाँ पे कि मोर देन 50% ऑफ द केसेस ऑफ जीपीएस जब उनके हमने सैंपल भेजे हैं तो उसमें वायरस आइसोलेट हुआ है, जो कंफर्म केसेस हैं उनका प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या था, जीपीएस, ठीक है। और जब सैंपल भेजे थे उसमें पोलियो वायरस आइसोलेट हुआ। पीछे भी आपने देखा, जो मैंने आपको केस दिखाया, ऑल फोर लिम्स इन्वॉल्व इंक्लूडिंग नेक, असेंडिंग पैरालिसिस होगा उसको, बाद में जो है फिर उसको पोलियो मेलाइटा जो है उसमें जब सैंपल भेजे गए उसमें वायरस आइसोलेट हुआ। अच्छा, इसका जो सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या बता रहे हैं, हम जो सर्वेलेंस कर रहे हैं जितनी भी हमारी एक्टिव साइट्स हैं, निश्तर है, चिल्ड्रन है, अजीम हॉस्पिटल, फैसल हॉस्पिटल, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 to 15 ईयर्स ऑफ एज इसको फोकस कर रहे हैं। बट इफ अ क्लिनिशियन सस्पेक्ट कि ये क्लिनिकली पोलियो है, लाइक डॉक्टर आजम ने अपने शुरू में काफ़ी केसेस देखे होंगे, इफ यू सस्पेक्ट एंड द एज इज मोर देन 15 ईयर्स यू कैन रिपोर्ट दैट केस एज वेल, but it must be like clinical polio. Acute flaccid paralysis, as I discussed, acute means sudden flaccid weakness, loss of tone, paralysis, weakness. So, ye present kisi bhi tarah se kar sakta hai, onoplasia, that is the most common thing, and traumatic neuritis mein hota bhi yehi hai ki injection lagta hai and then jo hai uske distal part of the limb wo paralyze ho jata hai. आपने कुछ बताएगा कि ये किस डिजीज के अंदर या कब हमें ये मिलता है नेक मसल वीकनेस जी? हाइपोकलीमिया के अंदर जो है कोई साइन नहीं होता है ना वीकनेस के साथ होता है। अच्छा जी, एएफपी ऑलवेज प्रेजेंटिंग विद वीकनेस, फ्लैसिड वीकनेस। तो नंबर वन जिस तरह मैंने बताया, पोलियो मेलाइटिस, जीपीएस, ट्रांसवर्स मेलाइटिस, ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस, हाइपोकलीमिक पैरालिसिस एंड देन बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी जो है ना इसको हम इग्नोर करते थे, तो ये बेल्स पॉलिसी का भी अगर आप कोई केस देखते हैं लकवे का तो वो भी आपने रिपोर्ट करना है, ठीक है। 0 to 15 ईयर्स ऑफ एज सम टाइम प्रेजेंटिंग भी देखेंगे, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसका सुडो पैरालिसिस के साथ आ जाता है, आर्थराइटिस है, मायोसाइटिस है, तो वो भी आप रिपोर्ट करें। इफ यू सस्पेक्ट के इफ यू आर इन डाउट रिपोर्ट इट, बेटर टू रिपोर्ट इट, ठीक है। पॉट्स डिजीज है, मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, ऑस्टियोपोराइटिस एंड देन सीवी। ये कुछ की इंडिकेटर होते हैं जो हम आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई बच्चा आता है आपके पास तो वो आप नोटिफाई कर दें इमीडिएटली। मैं आगे डाटा दिखाऊंगा आपको, रिश्तर का मैं 3 साल का डाटा लेके आया हूँ अपने साथ। तो होता क्या है कि वी कंफ्यूज कि यार इसको रिपोर्ट करना है नहीं करना, तो जो बेहतर है ना चीज़ वो अपने सीनियर से डिस्कस करें और उसके बाद रिपोर्ट है, ताकि उसकी सैंपल टाइमली इनिशिएटर कर सकते। अगर आप लेट रिपोर्ट करेंगे तो सैंपलिंग टाइमली नहीं होगी, फिर बच्चे चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो नोटिफिकेशन विद इन 7 डेज में हमारा इंडिकेटर होता है, ऑनसेट के बाद 7 दिन के अंदर अंदर अगर केस रिपोर्ट हो जाता है तो दिस शोज के जो हमारे सेंसिटाइजेशन है इंस्टीट्यूट एएफपी के बारे में वो बहुत बेहतर है। अगर वो केसेस लेट हो रहे हैं, नहीं रिपोर्ट हो रहा प्रॉपर, उसका मतलब है कि सेंसिटाइजेशन प्रॉपर नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि व्हाट इज एज। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ये कि जब आप केस रिपोर्ट करते हैं तो वी नीड टू इन्वेस्टिगेट इट विद इन 48 आवर्स, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेट हो जाना चाहिए। और उसकी जो है दोस्त टू सैंपल यानी 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर अंदर वो कलेक्ट हो जाना चाहिए। दोस्त टू सैंपल्स 24 आवर्स अपार्ट विद इन 14 डेज, ये उसके सैंपल्स कलेक्ट हो जाने चाहिए। जबकि एन आई एच लैब भेजते हैं इस्लामाबाद और फिर वहाँ से कंफर्म होता है कि आइदर
The sample is NPI, no virus isolated. या नॉन पोलियो ईवी, नॉन पोलियो ईवी का मतलब है कि कोई भी एंटेरो वायरस अदर देन पोलियो वो उसमें मौजूद है, या फिर वाइट पोलियो वायरस टाइप 1 जो कि अभी सर्कुलेट कर रहा है पाकिस्तान में वो मिल जाएगा आपको या वैक्सीन अगर बच्चे ने की हुई है SL वो फिर आइसोलेट हो जाता है। ये कैरियर यहाँ दिया जाता है, जो भी केस आप रिपोर्ट करते हैं उसको हम कैरियर देते हैं, उसमें 4 आइस पैक्स हैं ताकि उसकी कोल्ड चेन मेंटेन की जा सके, इसमें 2 स्टूल किट्स दी जाती हैं ताकि 2 सैंपल लिए जा सके 24 घंटे के वक्त में। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपका स्टाफ होता है नर्सिंग स्टाफ, उनको ये कह दिया करें या आपको उस पर अपनी फाइल पे नोट लिख दिया करें कि फॉर स्टूल सैम्पलिंग, एक भी केस फॉर स्टूल सैम्पलिंग, और उसमें गाइड कर दें कि जब भी वो सैंपल हो उसका डेट एंड टाइम जरूर मैंशन करें। डेट एंड टाइम को मैंशन नहीं करते तो उसमें फिर आइडिया नहीं होता कि सैंपल कब लिए गए, और फिर इसको आइस पैक्स भी चेंज करने होंगे। तो जो टेम्परेचर है वो 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका रखा जाता है। ये इसकी स्कीम है, यानी एक की सर्वेलेंस के 7 दिन के अंदर अंदर केस रिपोर्ट हो जाए, 14 डेज के अंदर इसके सैंपल हो जाए 14 डेज के अंदर, एंड देन 3 दिन के अंदर फिर लैब पहुँच जाए, फिर वहाँ से विद इन 1 मंथ यानी 28 डेज के अंदर इसके रिजल्ट आ जाते हैं। 1 महीने का टाइम लगता है इसके अंदर। ये हमने डिस्कस कर लिया कि मैक्सिमम यील्ड जो है विद इन 14 डेज है, उसके बाद फिर ये डिक्लाइन की तरफ जाता है। जब आप कोई केस रिपोर्ट करें तो उसकी कंप्लीट डिटेल ले लें। बाज़ औक़ात केस को पीडी में आता है, बाज़ औक़ात इमरजेंसी से इमरजेंसी में आता है, बाज़ औक़ात केस लामा भी हो जाता है। तो उसमें बच्चे का नाम, उसकी वालदियत, ग्रैंडफादर, कास्ट, एज, कंप्लीट एड्रेस एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर यूज कर जाते हैं दैन फिर उसको ट्रेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये नोटिफिकेशन फॉर्म है, ये नोटिफिकेशन फॉर्म भरना होता है इंस्टीट्यूट को, ये हम रखवा देते हैं ताकि जो भी नोटिफाई करें वो एटलीस्ट शो तो हो कि भाई यहाँ से डॉक्टर इमरान ने या डॉक्टर आसिफ ने रिपोर्ट किए, उनका नाम उस टाइम आना चाहिए, या डॉक्टर आज़म रिपोर्ट करते हैं तो वो ये हम फिल करके यहाँ पर फॉर्म रखवा देते हैं, बाकी आप इसको डिटेल इसकी उसमें भर लीजिए। ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो इसमें नोटिफाइड बाय सिग्नेचर डिजिटेशन एड्रेस ये ज़रूरी होता है। इसमें जो डिटेल है बहुत सिंपल है, डेट ऑफ ऑनसेट बच्चे को वीकनेस का हो, आपने कब डिटेक्ट किया, जिस दिन आपने डिटेक्ट किया उसी दिन आप नोटिफाई कर सकते, तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन और डिटेक्शन ऑलमोस्ट द सेम। ये भी सर का डेट है, ये पॉइंट इन टाइम है, पॉइंट इन टाइम का मतलब ये कि जून तक का डेट है। 2022 में टोटल केसेज जो मुल्तान के थे वो थे 112, जिसमें से निष्कर्ष में कितने रिपोर्ट में 9 केसेस रिपोर्ट, अच्छा 23 में 133 केसेस थे पॉइंट इन टाइम जून तक पूरे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, उसमें से 20 केस रिपोर्ट में निष्कर्ष। फिर 24 में अगर हम देखते हैं 118 पॉइंट इन टाइम टोटल केसेस हैं, अब 17 केसेस रिपोर्ट हुए हैं निष्कर्ष। तो आप देखें अगर बर्डन देखते हैं तो 8%, 15%, 14% ये थोड़ा सिटी यहाँ पे जो अगर इसका मैग्नीट्यूड देते हैं तो बहुत कम है। दैट मीन्स वी आर सम हाउ